अब दोस्तों देखिए, नए प्लांट लगाने के बाद में फर्टिलाइज़र कैसे करके देना है, ये जो बेबी फर्टिलाइज़र है, बेबी फूड छोटे गुलाब के लिए जो बनाया है हमने, उसको कैसे करके यूज़ करना है। तो देखिए, ये है हमारे, 2 महीने पहले हमने लगाए हैं, हम इनमें यही फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों जी, मलिक गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो में हम आपको दिखाएंगे जो नए रोज़ प्लांट लगाए जाते हैं उनके लिए क्या फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है। बहुत अच्छा रिज़ल्ट पाने के लिए हम जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, आज इसको बनाकर दिखाएंगे और इसको कैसे करके यूज़ किया जाता है वो भी दिखाएंगे। तो दोस्तों देखिए, हमने ये खाली डिब्बा ले लिया है और ये रख दिया है कांटे पर, और कांटे को करते हैं देखिए अब हम ज़ीरो। ये कर दिया हमने कांटे को ज़ीरो। अब इसमें हमें सबसे पहले लेना है 1261। ये देखिए 1261 है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ये 1261 हो गया हमारा। ये लेना है हमें 200 ग्राम। ये देखिए हमारा 200 ग्राम हो गया 1261। एक आध ग्राम इधर उधर हो जाए, ज़्यादा बनाने में तो कोई हरज नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी क्वांटिटी में बनना है, 1-2 ग्राम की इसमें कोई वो नहीं है। और अगर आपके पास ज़्यादा प्लांट हैं, ज़्यादा बनाना चाहते हैं, तो इसी को और आप डबल कर सकते हैं, 1.5 गुना कर सकते हैं। और अगर प्लांट आपके पास कम हैं तो आप इसको जो है कम भी बना सकते हैं, उसी हिसाब से कम करके आधा भी कर सकते हैं इसका। और देखिए, हमने 1261 लेने के बाद में इसको फिर से हमने कर दिया है ज़ीरो। अब इसमें हमें लेना है 0-52-34। देखिए ये 0-52-34 है, ये हमें लेना है इसमें 290 ग्राम। ये 1261 से इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी है। ये देखिए, हमने इसको खोल लिया है और ये लेना है 0-52-34 290 ग्राम। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, निकालना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा निकालेंगे अभी। दो चार ग्राम की कोई बात नहीं है, 10-5 ग्राम अगर बढ़ रहा है तो थोड़ा सा निकाल देना सही है। ये देखिए हो गया हमारा 291-92, 1-2 ग्राम की कोई बात नहीं, 290 ये हो गया। और इसको फिर कर देते हैं देखिए ज़ीरो। अब हमें लेना है इसमें 0050। ये है हमारे पास 0050, पहले से जो हमने इसमें करके रखा हुआ है डिब्बे में। ये लेना है सिर्फ 81 ग्राम। हम जिस हिसाब से बना रहे हैं, जिस क्वांटिटी में, उसमें ये जो है 0050 लेना है 81 ग्राम। कांटा हमने कर दिया है ज़ीरो, और ये देखिए हम इसमें डाल रहे हैं 81 ग्राम हमें लेना है इसमें से। ये देखिए हो गया 81 ग्राम। अब ये हमारा मिक्सचर बनकर हो गया है तैयार। छोटे रोज प्लांट लगाने के बाद में सबसे बढ़िया फर्टिलाइज़र है, इसको बंद करके और इसको अब मिला लेते हैं बढ़िया करके।
बाद ये देखिए बढ़िया करके हो गया मिक्स, ये हमारा बेबी फूड बन के हो गया तैयार। अब इसको देना कैसे है वो भी आपको दिखाएंगे। चलिए अब दोस्तों देखिए नए प्लांट लगाने के बाद में फर्टिलाइज़र कैसे करके देना है। ये जो बेबी फर्टिलाइज़र है, बेबी फूड छोटे गुलाब के लिए जो बनाया है हमने, उसको कैसे करके यूज़ करना है। तो देखिए ये है हमारे 2 महीने पहले हमने लगाए हैं, हम इनमें यही फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं। और ये हमारे भैया हैं, गुरु भी हैं, भैया भी हैं, सचिन भैया, उन्होंने ये हमें फर्टिलाइज़र बताया है। बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका मिल रहा है हमें। ये देखिए इस फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट है, ये सब सामने है, छुपा हुआ कुछ भी नहीं है। इसी तरह से ये देखिए ग्रोथ इसकी कहाँ तक पहुँच चुकी है इस फर्टिलाइज़र से। अब इसको यूज़ कैसे करना है, तो देखिए ये हमने लिया है 1 लीटर का है ये, इसको आधा ले लिया है। और ये है हमारा फर्टिलाइज़र, इसमें आधा लीटर पानी लिया है हमने। अब आधा लीटर में जो है ये लगभग आधा ग्राम लेना है छोटे प्लांट में। ये लगभग हो गया आधा ग्राम, ये हो गया, और ये इसमें डाल लिया और इसको घोल लिया। ये अच्छे से घोल लिया इसको, और जब भी इसमें पानी देना है, अगर प्लांट को पानी की ज़रूरत है तो पानी में मिलाकर और इसको ऐसे करके थोड़ा थोड़ा जड़ के पास में दे देना है। ज़्यादा पानी नहीं देना है छोटे प्लांट में, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा दे देना है जड़ के पास में। तो ये तो हो गया पानी का, पानी में मिलाने का। अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं या मीडिया हमारी ऐसी होती है कि पानी जल्दी नहीं सूख पाता है। देखिए ये है हमारी मीडिया, ज़्यादा गीली है, तो इसमें जो है इतनी क्वांटिटी लेना है इसमें, और ऐसे करके जो है मीडिया के ऊपर ऐसे करके छिड़क देना है ये, और हल्का सा पानी इसके ऊपर से स्प्रे कर देना है। किसी स्प्रेयर बोतल से या फिर स्प्रे मशीन से या फिर हाथ से भी कर सकते हैं, हल्के हाथ से ऊपर ऊपर से जो है ये गीली हो जाए, फर्टिलाइज़र इसमें मिल जाए मिट्टी में, और बाकी कुछ नहीं करना है इसमें। और अगर आप बेयर रूट करके प्लांट लगाते हैं, नर्सरी से लाने के बाद में प्लांट को बेयर रूट करके लगाते हैं या ऑनलाइन प्लांट मंगाते हैं, तो इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कम से कम 10 दिन के बाद कीजिए, 10 से 15 दिन के बाद। और अगर आप नर्सरी से इस तरह से कट्टे में, थैली में, किसी में अगर नर्सरी से आप प्लांट लेकर आते हैं, तो इसको कट्टे को फाड़ के बिल्कुल इसका कट्टे का लालच ना करें, खींचातानी ना करें, आराम से इसको कट्टे को फाड़ कर और इसको बिल्कुल रूट को बगैर छेड़े आप इसको मीडिया में लगा कर और दूसरे दिन को इस खाद का यूज़ करते रहें, शुरू कर दें। सिर्फ दूसरे ही दिन से इस फर्टिलाइज़र का यूज़ शुरू कर दें और आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा और प्लांट बहुत अच्छा चलेगा। ये हमारा यूज़ किया हुआ है, रिज़ल्ट आपके सामने है। दोस्तों जानकारी कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपको आगे आने वाले टाइम में रोज़ से संबंधित मिलने वाली है। बड़े रोज़ प्लांट की केयर कैसे करनी है वो भी आपको बताएंगे, क्या फर्टिलाइज़र देना है इसी तरह का, वो भी एक फर्टिलाइज़र उन्होंने बताया है हमारे सचिन भैया ने, उसका रिज़ल्ट भी आपको दिखाएंगे, उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे बनाना है, सब आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी।